अवर प्रादेशिक नियोजनालय धनबाद में 2 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप के प्रथम दिन मंगलवार को स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के लिए रिक्तियां भरी जा रही हैं। स्विगी में डिलीवरी बॉय की नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी के पास खुद की मोटरसाइकिल और ड्राइविंग लाइसेंस तथा मिनिमम मैट्रिक पास होना अनिवार्य किया गया है। रोजगार के अवसर पाने हेतु इस कैंप में एक बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। नियोजनालय के सहायक निदेशक अक्षय प्रताप सिंह ने बताया कि इस 2 दिन के कैंप में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना लक्ष्य है। वैसे पुरुष महिला की ओर से विशेष फोकस किया गया है, जो किसी कारण से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तथा अनस्किल्ड हैं और रोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कैंप के अंतिम दिन हेलमेट बनाने वाली कंपनी स्टीलबर्ड अपना कैंप लगाएगी। इस कैंप से कंपनी ज्यादा से ज्यादा युवाओं का चयन कर नौकरी प्रदान करने हेतु रिक्तियां को भरेगी। कंपनी में नौकरी पाने हेतु अभ्यर्थी के पास कक्षा 5वीं से 12वीं तक पढ़ाई होनी अनिवार्य है। रोजगार के लिए जो पेपर हमने देखा कर इसलिए हम लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आए हैं। ये रोजगार अगर मिलता है तो अच्छा ही होगा। किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं? हम स्टील के लिए, स्टील के लिए जो हेलमेट बनाता है उसके अप्लाई किए हैं। टेक्निकल आपने लिया है क्या? ट्रेनिंग ऐसे तो हमने लिए, ट्रेनिंग हमने कहीं भी नहीं लिया है। क्या नाम है? मेरा नाम जय कुमार सोनी। कहाँ से आए? मंडी से। जो धनबाद यूनिट है स्विगी कंपनी का, जो फूड डिलीवरी करता है, आज उनका उनके तरफ से डिमांड था 50 उनको एग्जीक्यूटिव चाहिए था डिलीवरी बॉयज। तो आज हम लोगों ने उन लोगों के लिए उन लोगों को बुलाया था और वो लोग स्विगी के लोग भी आए हुए हैं। वो लोग सेलेक्ट होंगे और उनका उनका रिक्वायरमेंट यही है कि उनके पास अपना एक मोटरसाइकिल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और RC बुक होना चाहिए और इतने पढ़े लिखे हों कि वो पढ़ सके, मतलब हम लोग मैट्रिक पास मान रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने लगभग 2 महीना पहले एक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप कंपनी के साथ में उनसे हम लोगों ने एक स्किल सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम किया था। उसका 2 बैच निकला था। फर्स्ट बैच का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकंड बैच के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के समय में आचार संहिता लग गया था तो हम लोग उसमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवा पा रहे थे, तो उसमें ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। ये सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग जो था वो ITI एक्सक्लूसिवली ITI पास लोगों के लिए था और ये 40 घंटे का ट्रेनिंग था जिसमें इन लोगों को सॉफ्ट इंग्लिश बोलना और फिर मोटिवेशनल ये और ऑफिस एटिकेट्स इसके बारे में ये ट्रेनिंग दी गई थी। ये ट्रेनिंग हम लोग आज आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हमने महिंद्रा ग्रुप से ये रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा हम लोग कुछ एक ट्रेनिंग करवाएं जो आज वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, जो एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए हो। तो हम लोगों को उन्होंने महिंद्रा ने एक ट्रेनर भी भेजा है। ये जो लेडी ट्रेनर है ये ट्रेनिंग देंगी और आपके माध्यम से हम आम जनता को भी बताना चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी महिला इंटर पास हो, वैसे हम लोग प्रेफरेंस इंटर पास को देंगे और अगर नहीं मिलेगा तो मैट्रिक पास भी ले सकते हैं, वो करना चाहें तो हम लोग जल्दी ही 1st week of January में एक ट्रेनिंग करवाएंगे, सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग। उसके साथ साथ उनको हॉस्पिटैलिटी और रिटेल मैनेजमेंट, जो आपको मॉल्स में जो काम करते हैं लोग, उसके लिए ट्रेनिंग देंगे। और हॉस्पिटैलिटी मतलब जो होटल्स में काम करते हैं उनके लिए ट्रेनिंग देंगे।